अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की अहम और तरीन खबरों के बारे में। वहीं दोस्तों दूसरी अपडेट, भारत से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से उन तमाम भारतीयों के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है दोस्तों। वहीं दोस्तों तीसरी अपडेट यूएई के हवाले से, अगर आप भारत से यूएई के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहते हैं, साथ ही दोस्तों इन 73 देशों से आने वाले फुली वैक्सीनेटेड यात्रियों के लिए क्वारंटीन के नियमों को पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भारत से सऊदी अरब के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं या फिर भारत से यूएई के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं या इन 73 देशों से क्वारंटीन के नियमों में जो बदलाव किया गया उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब में कोरोना केसेस के हवाले से कि सऊदी अरब में आज कोरोना के कितने न्यू केस रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सऊदी अरब में आज कोरोना के न्यू केस रिकॉर्ड किए गए हैं 389, जिनमें से न्यू रिकवरी हुई 124 की और वफात हुई 1 की। सऊदी अरब में क्रिटिकल यानी जो नाजुक केस हैं दोस्तों वो 33 हैं। दोस्तों सऊदी अरब में कल के मुकाबले आज 55 से 60 केस रिकॉर्ड ज़्यादा किए गए हैं। नए केसेस में दोस्तों बढ़ोतरी ज़्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूएई के हवाले से जो पहली अपडेट है, जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस अपडेट को अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म की तरफ से शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 73 देशों के लिए ट्रेवल गाइडलाइन को लेकर एक ग्रीन लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन 73 देशों से आने वाले ऐसे यात्रियों को अब क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। ऐसे यात्रियों को केवल कोविड-19 नेगेटिव पीसीआर टेस्ट लेकर ही ट्रेवल करना होगा और उन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचने पर पीसीआर टेस्ट कराना होगा। दोस्तों साथ ही दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसमें कहा गया है ग्रीन लिस्ट देशों से आने वाले ऐसे यात्री जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उन्हें अबू धाबी पहुंचने पर 6ठे दिन और 9वें दिन पीसीआर टेस्ट कराना होगा, और जिन्होंने वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट ले लिया उन्हें अबू धाबी पहुंचने पर 6ठे दिन पीसीआर टेस्ट कराना होगा। साथ ही दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, इन 73 देशों की लिस्ट में इंडिया का नाम शामिल नहीं है। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं जिनमें से ओमान, पोलैंड, कतर, आयरलैंड, रोमानिया, रसिया, सऊदी अरबिया, सीरिया, लेकिन दोस्तों इसमें इंडिया का नाम शामिल नहीं है। हालांकि दोस्तों जिन्होंने भारत में कोविशील्ड या कोवैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट लगवा ले हैं तो वो लोग भारत की मंजूरशुदा लेबोरेटरी से QR कोड वाला PCR नेगेटिव टेस्ट लेकर ही अबू धाबी के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। उन्हें अबू धाबी पहुंचने पर एक PCR टेस्ट कराना होगा। टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उन्हें 10 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। दोस्तों तो दोस्तों बात कर लेते हैं भारत से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा और हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि भारत और सऊदी अरब के बीच एयर बबल समझौते के तहत जो 1 जनवरी 2022 से सभी फ्लाइटें कोविड-19 के नियमों को मानते हुए जो ऑपरेट होंगी दोस्तों, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब के नागरिक, निवासी और कोई भी भारतीय या नेपाली या फिर भूटानी नागरिक जिसके पास सऊदी अरब का वैलिड वीजा है और वो केवल सऊदी अरब के लिए ट्रेवल करना चाहता है, इसके साथ ही संबंधित एयरलाइनों को सभी यह निर्देश दिया गया है कि नेपाली भूटानी यात्रियों को टिकट और बोर्डिंग पास करने से पहले ये कंफर्म कर ले कि नेपाली भूटानी या भारतीय नागरिकों के लिए सऊदी अरब में एंट्री करने के लिए कोई प्रतिबंध तो नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों 1 जनवरी 2022 से इन देशों से सभी यात्री जो है सऊदी अरब के लिए एयर बबल एग्रीमेंट के थ्रू जो है ट्रेवल कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ जरूरी अपडेट दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।